News 18, India. कमलनाथ के साथ साथ उनके बेटे नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं हैं, और इस बीच कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा लिया है। नकुलनाथ ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल को बदल लिया है, और इसीलिए इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब नकुलनाथ कमलनाथ के साथ साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सवाल इस बात के भी, क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, और अगर नहीं छोड़ी है तो आखिर क्या वजह है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उन्होंने अपनी एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम क्यों हटा दिया, कांग्रेस से एसोसिएशन क्यों बदल दिया। बेटे नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की चर्चा सामने आ रही है, और इस बीच कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा दिया है। अब कमलनाथ क्या करेंगे, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कोई और फैसला रहेगा, और अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कौन सा ल्यूक्रेटिव ऑफर है जो कि बीजेपी की ओर से उन्हें दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बायो से एक तरफ कांग्रेस हटा दिया गया नकुलनाथ की प्रोफाइल से, वहीं दूसरी तरफ बाप बेटे दिल्ली के लिए रवाना हो गए, और बीजेपी प्रवक्ता की ओर से दोनों की फोटो शेयर करके जय श्री राम लिखा जाना, ये तमाम जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि क्या कमलनाथ पार्टी बदल रहे हैं। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं अंकिता और मनोज से हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। मनोज, छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जिसे कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट माना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में हमने देखा है कि ज्यादा अंतर रहा नहीं था, तो क्या कमलनाथ का ये गेम प्लान हो सकता है कि छिंदवाड़ा की सीट अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो कहीं ना कहीं उनके बेटे नकुलनाथ के लिए आगे का भविष्य मध्य प्रदेश में कम से कम बेहतर हो सकता है। देखिए, एक जो बात होती थी कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के लिए कांग्रेस से सांसद हैं, एक अच्छा भविष्य हो सकता था कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह के बाद आगे जो पार्टी की कमान सौंपी गई उस कमान में कहीं ना कहीं नकुलनाथ की भूमिका होती। लेकिन आज की तारीख में अगर एक महीने बाद चुनाव होने हैं, एक महीने बाद लोकसभा का माहौल बन जाएगा, और नकुलनाथ के पास अभी एक पूर्व सांसद वाली स्थिति आज से एक महीने बाद बनेगी, पार्टी दोबारा वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं या नहीं जीतते, इस बात को लेकर कोई यकीनी तौर पर नहीं सकता। जब जीतू पटवारी और उमंग सिंगार सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से उनकी नेक्स्ट जो लीडरशिप, जो हम कहेंगे कि अगली लीडरशिप हमारी ये है, 2023 के चुनाव, जब 2018 के बाद 23 और 28 में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस की तरफ से तो नेता के तौर पर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार हैं। लेकिन मनोज, क्योंकि कमलनाथ पहले ही बड़े नेता है, 9 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, 2 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि छिंदवाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी तो पहले ही वहां पर कमजोर स्थिति में है, ऐसे में नीरज ये बताइए कि ऐसा कौन सा ल्यूक्रेटिव ऑफर होगा जो कि बीजेपी की ओर से दिया जा सकता है जिससे कि कमलनाथ खुद को विन-विन सिचुएशन में महसूस करें। कमलनाथ की दो स्थितियां हो सकती है कि कमलनाथ चाहे तो इसके बाद आगे चलकर जब अगले एक साल बाद, जब 1.5 साल बाद दोबारा राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सीटें राज्यसभा की भी खाली होंगी तो वो उनके लिए एक ऑफर हो सकता है। दूसरा, नकुलनाथ दोबारा अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर पार्टी बदलते हैं नकुलनाथ और कमलनाथ और दोबारा वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो उनके बीजेपी टिकट पर छिंदवाड़ा से जीतने में कमलनाथ को इस बात की पूरी तरह से यकीन होगा कि बीजेपी की टिकट पर छिंदवाड़ा को दोबारा नकुलनाथ जीत जाएंगे और एक बार फिर से सांसद बन जाएंगे। और हो सकता है ऑफर, अगर जिस तरह की डीलिंग होती है, ऑफर होता है, उस ऑफर में ये भी ऑफर हो कि जैसे ज्योतिराय सिंधिया जब छोड़कर गए थे तो राज्यसभा की सीट मिली। अब आगे का क्या आपको प्लान नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कमलनाथ उनके बेटे दिल्ली आ सकते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, मान मनोबल का वक्त बचा है क्या अभी? देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं, चाहे प्रभारी की बात करें जो भंवर जितेंद्र सिंह है, दिग्विजय सिंह का बयान ऑन रिकॉर्ड है, और भंवर जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 इंडिया को कोट भी दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ पार्टी का दामन छोड़ेंगे। फोनबाजी यानी आपस में मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक फोन होने की शुरुआत और बात करने की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये अटकलें और शाम तक बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कमलनाथ को फोन जरूर किया जाएगा, लेकिन दिग्विजय सिंह भले ही खारिज करे, डिनायल मोड में हो, लेकिन अगर कमलनाथ ने तय कर लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे तो अब तक उनकी तरफ से डिनायल भी खुद आ जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं आया है, इसीलिए ये बार बार संभव होता दिख रहा है कि वो और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के एमपी पहुंचने के पहले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। सियासी अटकलों के बीच कमलनाथ भोपाल से अपने चार्टर प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ ने अपने आज के पहले से तय सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को बताया अफवाह। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का कमलनाथ पर बयान। कहा कमलनाथ का कांग्रेस से रिश्ता पुराना है, वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच एमपी के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। कहा बीजेपी में यकीन करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच उनके बेटे नकुलनाथ ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल बदली। एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटाया।